हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको टेक्री के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, जो सेकंड एलिमेंट है, वो डिस्कस करवाऊंगा। हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट जब मैं हमने एडजुडिकेशन कंप्लीट कर लिया था, आज का डिस्कशन मैं सूट के बारे में बताऊंगा। सो सूट, प्रीवियसली भी मैंने सूट के बारे में बता दिया है, बट एक बार फिर से, सूट एक एसेंशियल एलिमेंट है डेकरी का। सो सूट की क्या 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 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और क्या इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम देख लेते हैं। सो सूट, फर्स्ट थिंग इज़ कि सूट एक्सप्लिसिटली कोड में डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन ऑफ सूट is not defined, expression of suit is not defined in code, it's not defined in code, but फिर भी एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि सूट से रिलेटेड है, उसको देख लेते हैं। तो वो केस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, और वो केस है, केस इज हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड, 1933 का केस है। तो इसमें प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है। तो प्रिवी काउंसिल ने क्या किया था? सो प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा? प्रिवी काउंसिल ने कहा कि द सूट को कैसे डिफाइन करेंगे? सूट इज द सिविल प्रोसीडिंग्स, सूट इज द सिविल प्रोसीडिंग्स instituted civil proceeding instituted by presentation of plaint। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट, यानी अगर आपका प्लांट नहीं होगा किसी सिविल प्रोसीडिंग में प्रेजेंट, तो उसको सूट कंसिडर नहीं किया जाएगा। मीन्स कैसे लिखेंगे कि एवरी सिविल सूट दस मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट। दैट मीन्स क्या कहा मैंने कि जो एवरी सिविल सूट है, every civil suit must be instituted by presentation of plaint।
ओके, सो यहाँ से एक कंक्लूजन हम लोग ये निकालते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन इज, कंक्लूजन इज कि इफ देर इज नो सिविल सूट, इफ देर इज नो सिविल सूट देन देर इज नो डिक्री, देन देर इज नो डिक्री, देन देर इज नो डिक्री। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि डिक्री के लिए जो सबसे एसेंशियल पार्ट है वह है आपका सिविल सूट, सूट फाइल करना। सूट अगर फाइल नहीं करें हम लोग करेंगे सो वो डिक्री में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग उसको थोड़ा सा और देखें, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखें हम उसको, सो अगर कोई प्लेंट रिजेक्ट कर देती है सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट हमारी, सो अगर कोर्ट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कर देती है, क्यों? तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, आई एम सॉरी, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ देर इज नो सिविल सूट देर इज देर विल नो डिग्री। सो दैट मीन्स कि अगर एक एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है, कौन सी? इन फॉर्मा पॉपरिस, इन फॉर्म ऑफ ए पॉपर मीन्स इन फॉर्म ऑफ ए इन फॉर्म ऑफ पुअर। सो अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है इन फॉर्म ऑफ पॉपरिस की, सो वो डिक्री नहीं कहलाएगी। सो ये एप्लीकेशन डिक्री में नहीं आएगी। ओके, सो क्यों नहीं आएगी देख लेते हैं। एक एक अगर फ्लो चार्ट बनाएं, सो फर्स्ट आपका एप्लीकेशन पार्ट आएगा, फर्स्ट आएगी आपकी एप्लीकेशन कोर्ट में, एप्लीकेशन फिर ग्रांटेड होगी तो वो प्लेंट बन जाएगी, नहीं प्लेंट फिर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। प्लेंट प्रेजेंट करेंगे आप तो प्लेंट प्रेजेंट करने पर हमारा सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा है। सो प्लेंट प्रेजेंट होने से सूट, और सूट फाइल करके फाइनली वो डेकरी में करेगा, क्योंकि हमें पता है कि डेकरी का एसेंशियल कंपोनेंट सूट है। सो दैट मीन्स अगर सूट होगा तो डेकरी भी होगी। फोर कंडीशंस और हैं, हम लोग देखेंगे उसको, एक कंडीशन ऑलरेडी देख लिए, बट ये एक चार्ट है। सो एप्लीकेशन, सो अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो वो प्लेंट नहीं बन पाएगी, तो वो प्लेंट नहीं बन पाएगी तो सूट नहीं आ पाएगा, बिकॉज सूट जो है हम लोगों ने देखा है कि एवरी सिविल सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, तो प्लेंट ज़रूर होना चाहिए उसमें, अगर प्लेंट नहीं होगा तो सूट नहीं होगा। बट यहाँ पर एप्लीकेशन, दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे कि जब तक एप्लीकेशन ग्रांटेड नहीं जाती तब तक वो प्लेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। सो ऊपर वाले केस में यहाँ अगर हम लोग देखें इसको, सो कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है इन फॉर्म ऑफ पॉपरिस वाली, सो वो प्लेंट नहीं बन पाई, तो जब प्लेंट नहीं बन पाई तो ये सूट नहीं बन पाएगी तो डेकरी नहीं हो पाएगी। सो ये एक केस है, बट इसका इस केस का एक एक्सेप्शन भी है। दैट मीन्स कि सर्टेन एप्लीकेशंस हैं जिनको हम सूट मान सकते हैं, और वो एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं तो मैं एक नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ जो कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, और इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन आपका है कि एप्लीकेशंस, सर्टेन एप्लीकेशंस जो है वो आपकी सूट होंगी। आपकी सूट होंगी। सो
एलैबोरेट अगर मैं करूँ इसको, सो सर्टेन इनैक्टमेंट्स जो हैं, सर्टेन इनैक्टमेंट इनैक्टमेंट्स में स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं सर्टेन इनैक्टमेंट में स्पेसिफिक प्रोविजन है टू ट्रीट एप्लीकेशन टू ट्रीट टू ट्रीट एप्लीकेशन एज अ सूट टू ट्रीट एप्लीकेशंस एज सूट. ये एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? ये देख लेते हैं ये एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं. द फर्स्ट इज इंडियन सक्सेशन एक्ट. दैट मीन्स सर्टेन इनैक्टमेंट्स हमने बात की. इंडियन सक्सेशन एक्ट इंडियन सक्सेशन एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एक्ट. आर्बिट्रेशन एक्ट. सो ये चार एक्ट एंड सो ऑन ETC. सो दीज टाइप ऑफ एक्ट आर द स्टैचुटरी सूट्स. सो ये सर्टेन इनैक्टमेंट्स मतलब अदर एक्ट्स में ये स्टैचुटरी सूट है. सो ये सूट जो कि एप्लीकेशंस, सो ये सूट अगर फाइल हम लोग करते हैं सो वो कोड के अंडर सूट कहलाएगी. ओके, सो रिपीटिंग, सर्टेन इनैक्टमेंट्स स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं उसमें जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन को सूट कंसिडर करेंगे. और ये हैं वो फोर जिनको स्टैचुटरी सूट बोलते हैं. दैट मींस कोर्ट में अगर फाइल करेंगे तो डेक्री हमको मिल सकती है, जो कि ये एक्सेप्शन है इसका, जो इस वाले केस का जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है इनफॉर्मा पॉपरेस वाली. ओके, सो अगर देखा जाए, अगर मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करूँ तो इसको अगर कंक्लूजन करते हैं, सो दैट मीन्स कि सर्टेन प्रोसीडिंग्स जो हैं सर्टेन प्रोसीडिंग्स अगर सर्टेन प्रोसीडिंग्स इफ डज नॉट कमेंस विद सूट कमेंस विद प्लांट Plant. First, so certain proceeding अगर court में file कर रही है but does not commence with plant, and plant is हमें पता है is a statement of claim, a document or a memorandum by filing which a suit is instituted. ये already हम लोगों ने देख लिया. तो अगर proceedings प्लेंट से कमेंस नहीं हो रही है एंड इन प्रोसीडिंग्स को नॉट ट्रीटेड एज सूट एंड नॉट ट्रीटेड एज सूट अंडर एनी अदर एक्ट
अगर प्रोसीडिंग्स प्लिंथ से कमेंस नहीं हो रही हैं, स्टार्ट नहीं हो रही हैं, प्लिंथ नहीं है वो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? प्लिंथ से प्लिंथ नहीं है तो सूट नहीं होगा, सूट नहीं होगा तो डेकरी नहीं होगी। एंड सेकंड सूट, ये सूट अदर एक्ट की बात करते हैं कि अगर सूट, ये प्रोसीडिंग को सूट ट्रीट नहीं किया जा रहा है अंडर एनी अदर एक्ट, सो दैट मींस कि इसको हम लोग कोड के अंडर भी सूट फिर नहीं मानेंगे। कैन नॉट बी ट्रीट एज एट सूट, देन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सूट, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सूट, देन मीन्स जो डिसीजन होगा इसका प्रोसीडिंग के बाद, ये डिसीजन होगा कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सूट। कौन सा, कौन सी प्रोसीडिंग का डिसीजन? प्लेंट और सूट। प्लेंट से कमेंस नहीं हो रहा और सूट नहीं ट्रीट हो रहा है अंडर एनी अदर एक्ट। सर, अदर एक्ट्स में भी सूट के प्रोविजंस हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि ये अदर एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैचुटरी सूट हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम लोग कोई सूट, कोई प्रोसीडिंग फाइल करते हैं जो कि अदर एक्ट के अंडर भी सूट नहीं होती है, सो उसको हम लोग अंडर कोर्ट, सो कोर्ट के अंडर भी हम लोग उसको सूट नहीं ट्रीट करेंगे, कोड अंडर सेक्शन कोड, एंड दस तो डेकरी भी नहीं होगा, नॉट, नो डेकरी, नो डेकरी, सो डेकरी भी नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग देखा जाए। सो सूट नहीं होगा, प्लेंट नहीं होगा तो डेकरी नहीं होगी, सूट नहीं होगा तो डेकरी नहीं होगी, और यहाँ पर ये सूट अंदर एनी अदर एक्ट है। सो दैट मीन्स इसमें एक केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और आज का डिस्कशन कंक्लूड करते हैं। ये केस है आपका फेमस केस, द केस ऑफ दीवान ब्रोस वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ...1976 का केस, ऑलरेडी प्रीवियसली मेंशन कर दिया एडजुडिकेशन में। सो दीवान ब्रोस वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ट्रिब्यूनल है ट्रिब्यूनल कोई डिसीजन देती है अंडर एनी अदर एक्ट और एनी एक्ट, सो वो डिक्री ट्रीट होगी अंडर, और उसको ट्रीटेड डेकरी, और ये डिसीजन उस एक्ट में डेकरी ट्रीटेड है, ट्रीट एज अ डेकरी अंडर एक्ट एंड अंडर अदर एक्ट, एनी अदर एक्ट। सो ये डेकरी होगी, इज द डेकरी ऑफ ट्रिब्यूनल, द डायरेक्टरी डिक्री ऑफ ट्रिब्यूनल, नॉट बाई कोर्ट, नॉट बाई कोर्ट, नॉट बाई कोर्ट, कोर्ट बिकॉज अंडर सेक्शन 2, सबसेक्शन 2। ओके, सो दैट मीन्स क्या बोला कि अगर ट्रिब्यूनल कोई डिसीजन पास करती है और जो कि किसी अदर एक्ट में डेकरी मेंशनड है कि ये डिसीजन अगर ट्रिब्यूनल देगी तो वो डेकरी होगा, सो इस डिसीजन को हम लोग बोलेंगे इज द डेकरी ऑफ ट्रिब्यूनल, नॉट डेकरी बाय कोड और कोड मेंशनड इन सेक्शन 2
टू अंडर सीपीसी 1908। ओके, सो ये स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, दीवान रोज वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो हेंस आज का डिस्कशन हम लोग कंक्लूड करते हैं। सो सूट डेक्री के एसेंशियल कंपोनेंट्स में फर्स्ट आपका एडजुडिकेशन था जो कंप्लीट करवा दिया, सेकंड सूट को कंप्लीट करवा दिया है, थर्ड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा राइट्स ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी, ये नेक्स्ट पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन एंड लास्टली हम लोग पढ़ेंगे द फॉर्मल एक्सप्रेशन। दैट मीन्स एक डेकरी होने के लिए ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होने चाहिए। एडजुडिकेशन नहीं होगा तो डेकरी नहीं होगी, सूट नहीं होगा तो डेकरी नहीं होगी, ये हम लोग ने देख लिया। फिर अब हम लोग देखेंगे कि कैसे राइट ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन एंड फॉर्मल एक्सप्रेशन डेकरी का पार्ट बनाते हैं। ओके, सो आज का डिस्कशन ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करें जो भी आपको लगता है फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। सो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके.